हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी मिर्ची का अचार बना रहे हैं, जो कि बहुत ही कम तेल में बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैंने इस अचार के लिए 250 ग्राम मिर्ची ली है, इनको मैंने धोकर सुखा लिया है। राई, अगर आपके पास पिसी हुई राई नहीं हो तो आप साबुत राई को पीस कर बना लें। नमक 2 चम्मच, तेल और सौंफ। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चियों को काट लेंगे। आप चाहे तो गोल कट कर लें या लंबी लंबी कट कर लें, मैं लंबी लंबी कट कर रही हूँ। सारी मिर्चियों को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। यह अचार हम महीनों तक काम में ले सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होता है और टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। बाजार में भी मिलता है तो हम आसानी से घर पर ही बना सकते हैं इस अचार को। ऐसे सारी मिर्ची कट कर लेंगे हम। हमने सभी मिर्ची को कट कर लिया है, अब थोड़ा उछाल देंगे ताकि बीज नीचे रह जाएंगे इसके। हम बीज एक तरफ निकाल देंगे इनको। हमने बीज को अलग निकाल लिया है और हर मिर्ची को एक तरफ निकाल लिया है। अब हमें इसमें मसाले मिलाएंगे। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है अचार और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसमें राई डाल देंगे। मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ। आप हरी मिर्ची के हिसाब से डाल लें, ज़्यादा हरी मिर्च हो तो आप ज़्यादा राई डाल लें इसमें। मसाला आप अपने पसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब नमक डाल देंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, ज़्यादा कम कर सकते हैं आप नमक भी। सौंफ डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे हरी मिर्च को। चाहे तो हम इसमें एक नींबू डालकर भी ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन हम नींबू नहीं डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे ताकि तेल से अच्छी बनेगी। और हमने तेल में सरसों का तेल ही लिया है, आप रिफाइंड तेल काम में नहीं लेंगे। अचार में रिफाइंड तेल काम नहीं आता है। अब 2 चम्मच हम डाल देंगे ताकि मसाले भी इसके चिपक जाएंगे और ये टेस्ट में भी अच्छी हो जाएगी। अब तेल को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये राई से खट्टी हो जाती है, इसमें नींबू डालने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। यह अचार बहुत ही कम तेल में बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। हमने मिर्च में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक डिब्बा ले लेंगे। आप प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया, कांच की पन्नी में डालें, स्टील के बर्तन में अचार खराब हो जाता है। अब हम डाल देंगे और 5-6 दिन बाद में थोड़ी खट्टी हो जाएंगी मिर्च, जब आप खाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप ये अचार बना कर जरूर देखें और मुझे बताएं कि ये अचार आपको कैसा लगा।